राधे राधे जी सभी को। वृंदावन, वृंदावन एक ऐसी राधा जी की नगरी है जहाँ पे जाने के लिए सभी का मन होता है, बट यहाँ पे मेरी राधा रानी जिनको बुलाती हैं वही आते हैं। तो चलिए, अगर आप नहीं आ सकते तो आप मेरे YouTube चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपके पास वृंदावन की पल पल की अपडेट आती रहें। तो चलिए, आज मैं आपको वृंदावन की गलियों से घुमाता हूँ और यहाँ के फेमस जो टेम्पल हैं राधा जी के, उनके दर्शन कराता हूँ। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपके पास वृंदावन की पल पल की अपडेट आती रहें। तो चलिए, वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो राधे राधे सभी को। तो फिलहाल हम आश्रम से निकल चुके हैं सीधे प्रेम मंदिर की ओर। तो चलो, अभी चलते हैं सीधे प्रेम मंदिर और आपको कराते हैं राधा रानी जी के दर्शन। राधे राधे। आप जब प्रेम मंदिर आते हैं तो गेट पे ही आपको रोक लिया जाता है, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े बैग होते हैं। तो प्लीज आप एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे बैग और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ आना तो बैग लेके मत आना। मंदिर के आते ही अंदर भाई इतना भीड़ मिला है, पूछो नहीं है। देखो इतना भीड़ भाई, हजारों में यहाँ पे राधे राधे जी के भक्त आए हैं। ये मौसम देखो कितना अच्छा, यहाँ पे देखो कितना अच्छा फूल सजाए गए हैं। देखो इधर से लेके वहाँ तक, और इतना प्रेम मंदिर सुंदर है, इसकी कुछ बात ही अलग है। अगर यहाँ पे आप रात में आते हैं तो रात में ही कुछ अलग मिलेगा आपको। इसमें लाइटिंग मिलेगी और ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लैक, हर तरह की यहाँ पे लाइटिंग होती है। बट दिन में कुछ भाई अलग ही दिखता है, वाइट वाइट, बिल्कुल वाइट। और ऊपर से इसमें फुलवारी भी लगाई गई हैं, ये देखो। गाइज, प्रेम मंदिर के जैसे आप बाइक बैक साइड में आएंगे, इस प्रकार से कुछ आपको मंदिर देखने को मिलेगा। और उसके ही बैक साइड में ये देखो भाई, कितने प्यारे भाई यहाँ पे राधा रानी और हमारे भगवान किशन जी इन गायों के साथ में कितने अच्छे से देखो खड़े हुए हैं, और यहाँ पे मुरली बजाते हुए आनंद से खड़े हुए हैं। ये देखो, और फुलवारी इतनी अच्छे से तरीके से लगाई गई है कि लोग इनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो अगर आप मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाई सीधे गोवर्धन पर्वत, जो कि मेरे श्री कृष्ण भगवान एक छूनी से इसे उठा रखा है। इसके ऊपर से देखो भाई, धाराएं भी बह रही हैं कितनी प्यारी, ये देखो इतना सुंदर लग रहा है। और अगर आप इधर आओगे तो प्रेम साधना सामग्री इधर आपको मिल जाएगा, और यहीं पे निःशुल्क जल घर भी मिलेगा। यहीं पे आपको जो स्लीपर, जूता वगैरह यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। और ये रहा भाई अपना प्रेम मंदिर, बिल्कुल फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं और दर्शन कर लो। और कमेंट में राधे राधे लिखकर शेयर ज़रूर करना अगर ये वीडियो पसंद आया है। और कुछ इस प्रकार से अभी यहाँ पर भीड़ है, भीड़ भी बहुत आई है आज। तो चलिए, अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको कराते हैं राधा रानी के दर्शन। गाइज, अभी आ चुके हैं मंदिर परिसर से बाहर, और बाहर बारिश होके बंद हो चुकी है और सभी श्रद्धालु लोग फिर से बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे यहीं पूतना, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के समय उनका वध किया था, ये देखो इनका यहाँ पे स्टेचू लगाया गया है कुछ दिखाने के लिए। तो राधा रानी के दर्शन कर लिए, अभी चलते हैं सीधे इस कोण मंदिर में
और इस्कॉन मंदिर में भाई होते हैं भजन, और वहाँ आपको हम राधा रानी और श्री कृष्ण और राम जी के भजन जो वहाँ पे करे जाते हैं वो आपको सुनाएंगे। तो कमेंट में जय श्री राम राधे राधे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलो यहाँ से देरी ना करते हुए चलते हैं इस्कॉन मंदिर। गाइज अगर आप प्रेम मंदिर से और इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो समथिंग प्रेम मंदिर से दूरी है 1 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा पैदल। पैदल चले जाओ या रक्से लेके चले जाओ या ऑटो से चले जाओ, मात्र 10 से 20 रुपये लेंगे वहाँ से। तो मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ, थोड़ी दूर है, मात्र 1 किलोमीटर है। तो चलिए अभी आपको इस्कॉन मंदिर में दर्शन कराते हैं और वहाँ के भजन सुनाते हैं राधे राधे। तो फिलहाल आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 12:45 तक और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। ये देखो ये कुछ अंदर का नज़ारा है, बाकी जो अंदर जाओगे अंदर भजन होते हैं। बाकी अभी आप ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन भाई बनाया है राधे राधे। चलिए अभी आपको राधा रानी जी के जो कीर्तन हो रहे हैं वो सुनाएंगे। और ये देखिए ये है अंदर जाने का रास्ता, और अंदर इतने बड़े बड़े भाई पंखे लगे हैं, इनको देख के आपका दिल मगन हो जाएगा। देखिए भजन भी हो रहे हैं। करके आएंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा। ये देखो वो भी खिचड़ी मिल रही है, इतना अच्छा यहाँ पे देखो, और सभी लोग बाहर खा रहे हैं। ये देखो आगे जो कि सीधे आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अभी आपने इस्कॉन मंदिर के दर्शन कर लिए, अभी चलते हैं बांके बिहारी। आपके फ्री में यहाँ पे जूते चप्पल यहाँ पे जमा हो जाएंगे, यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे सेवा दी गई है मंदिर की तरफ से, और यही रास्ता है। ये देखो ये देखो यहाँ पे ये मेन गली है और ये रास्ता जाती है सीधे सीधे बांके बिहारी जी के लिए, और यहाँ से मात्र दूरी रह जाती है 500 मीटर। ये 500 मीटर की दूरी में बाद में मंदिर है, तो आप जाना तो आप ध्यान से जाना क्योंकि यहाँ पे फोन वगैरह बहुत ही जल्दी छीनते हैं। चलिए अब चलते हैं दर्शन कराने के लिए, और चलते हैं राधा रानी के दर्शन करने राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय जय, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी के दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन भाई भीड़ बहुत थी। ये देखो भीड़,
ये है बांके बिहारी जी का टेम्पल। दो नंबर से गए थे, एक नंबर से हम बाहर आ चुके हैं। तो चलिए, राधा रानी के दर्शन हो चुके हैं, अभी चलते हैं आगे के लिए।